यूपी में बीजेपी नेताओं की हत्या के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब यूपी के बरेली में बीजेपी नेता का शव मिला है। उत्तराखंड यूपी सीमा पर हत्या के बाद इस शव को फेंक दिया गया था। बीजेपी नेता का शव बहेड़ी हाईवे पर कार में मिला। एक दिन पहले ही उनकी गुमशुदगी उत्तराखंड के रुद्रपुर के किच्छा थाने में दर्ज कराई गई। बहेड़ी थाना क्षेत्र में आज सुबह एक राकेश रस्तोगी की डेड बॉडी अपने सेंट्रो कार में मिली है और ये किच्छा के रहने वाले हैं, वहाँ से गुमशुदगी लिखा हुआ है और उनकी डेड बॉडी आज यहाँ प्राप्त हुआ है। पुलिस गाड़ी को और डेड बॉडी को हम लोगों ने पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। हाईवे पर कार में शव की सूचना पर पहुंची पुलिस को जैसे ही पता चला कि ये शव भाजपा नेता राकेश रस्तोगी का है और वो उत्तराखंड के किच्छा निवासी है, वैसे ही उत्तराखंड पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। बरेली उत्तराखंड बॉर्डर पर बहेड़ी में कार में शव की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई। पुलिस ने उनकी सेंट्रो कार का शीशा तोड़कर उनका शव निकाला। पुलिस के मुताबिक उनकी हत्या चाकुओं से गोदकर की गई थी। उनके दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। वो भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष थे। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।